नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आज केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली दमन और दीव इन दोनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों ही भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो 26 जनवरी 2020 को एक संयुक्त प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित हुए। यह क्षेत्र अपने अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसी विषय में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। दादरा और नगर हवेली। नंबर वन, जनजातीय संस्कृति। दादरा और नगर हवेली में वारली, कोकना और धोड़िया जैसी प्रमुख जनजातियाँ रहती हैं। वारली पेंटिंग यहाँ की प्रसिद्ध आदिवासी कला है, जो अपनी सरलता और सुंदरता के लिए जानी जाती है। नंबर टू, प्राकृतिक सुंदरता। यह क्षेत्र घने जंगलों, हरे भरे पहाड़ियों और विविध वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के हरित परिदृश्य और शांति पर्यटकों को आकर्षित करती है। नंबर थ्री, सिलवासा। सिलवासा दादरा और नगर हवेली का मुख्य शहर और प्रशासनिक केंद्र है। यहाँ कई पर्यटन स्थल है, जैसे बंगंगा झील और उद्यान, सत्यमालिया डियर पार्क और ट्राइबल म्यूजियम। नंबर फोर, धार्मिक विविधता। यहाँ विभिन्न धार्मिक स्थल है, जिनमें प्रमुख है स्वामी नारायण मंदिर, ब्रह्मा कुमारी आश्रम और चर्च ऑफ ओवर लेडी ऑफ पाइडी। इस तरह के बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थान यहाँ पर देखे जाते हैं। उसी के साथ में दमन और दीव। नंबर वन, पुर्तगाली प्रभाव। दमन और दीव में पुर्तगाली शासन का गहरा प्रभाव है, जो यहाँ की वास्तुकला, भाषा और संस्कृति में देखा जा सकता है। 450 साल तक यह क्षेत्र पुर्तगाली उपनिवेश रहा। नंबर टू, समुद्र तट। दमन और दीव अपने सुंदर समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। नागाव बीच, देवका बीच, गोगला बीच यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। यहाँ पर्यटक तैराकी, सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लेते हैं। नंबर थ्री, ऐतिहासिक किले। दीव फोर्ट, दमन फोर्ट, जो कि मोटा किला नाम से जाना जाता है, इन दोनों के ऐतिहासिक महत्व के किले हैं, जो समुद्री रास्तों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। ये किले अब प्रमुख पर्यटन स्थल है। वाइन उत्पादन। दमन अपनी वाइन उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कई वाइनरी है, जो विभिन्न प्रकार के वाइन का उत्पादन करती है। नंबर फाइव, सेंट पॉल चर्च। दीव के सेंट पॉल चर्च बारोक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, और इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह चर्च भारत के सबसे खूबसूरत चर्चों में से एक माना जाता है। संयुक्त प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक सुधार। 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में जोड़ा गया, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार और संचालन में सुगमता आई। पर्यटन। दोनों प्रदेश के मिल जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिला, क्योंकि पर्यटक अब एक ही यात्रा में दोनों स्थान का आनंद ले सकते हैं। नंबर थ्री, संस्कृति और संगम। इन प्रदेशों में संगम सांस्कृतिक विविधता और धरोहर का उत्सव है, जहां जनजातीय, पुर्तगाली और भारतीय संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और
प्राकृतिक आकर्षणों के कारण एक अनूठा पर्यटन स्थल बनाते हैं। यहाँ की अद्वितीय विरासत, सुंदरता और विविधता पर्यटकों और ऐतिहासिक प्रेमियों दोनों के लिए अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहे हमसे और शेयर करें, लाइक करें ना भूलें। धन्यवाद।